हाय, सो ये वीडियो है स्टडी कनाडा एस्पिरेंट्स के लिए, और चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो चाहे पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हो, वो सफर कर रहे हैं कि जब आप जो कि 2 साल पहले बहुत सिंपल प्रोसेस हुआ करती थी, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेना, वो भी एक जी का जंजाल बन चुका है। आप अगर इस समय अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप खोल के देखेंगे तो फॉरगेट अबाउट कि आप दिल्ली के रहने वाले और दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, चंडीगढ़ में ढूंढ रहे हैं, जलंधर में ढूंढ रहे हैं, आपको पूरी इंडिया में एक भी स्लॉट खाली नहीं मिलेगा अगले 3 महीने। 3 महीने तक, जनवरी एंड तक, फरवरी एंड तक, 4 महीने तक आपको एक भी स्लॉट सारे के सारे बीएफएस ऑफिस में भरे नजर आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों हो रहा है और दूसरा फिर इसका तोड़ क्या है। सो देखिए क्यों हो रहा है, और वही बात है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ चमत्कारी लोग, अनएथिकल लोग, एंटरप्राइजिंग लोग। तो ये देखते हुए कि पिछले 3-4 महीने से बायोमेट्रिक की थोड़ी मारामारी हुई थी, तो याद कीजिए आपको 5-6 महीने पहले ना सरकार बायोमेट्रिक दे रही थी, आप लोग अप्लाई करते थे, आप अपना बायोमेट्रिक स्ट्रक्चर लेटर अपलोड करते थे, उसके बाद सरकार आपको मतलब कनाडा वाले आपको डेट दे रहे थे। अब 2-3 महीने से जब इनको लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, इन्होंने प्रोसेस नॉर्मल कर दी। अब बायोमेट्रिक लेने की नॉर्मल प्रोसेस क्या है, आप वो ऑनलाइन बुकिंग फॉर्म खोलते हैं, सिर्फ आपका ईमेल आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों के साथ आप अपनी बायोमेट्रिक स्लॉट बुक कर सकते हैं। ना आपको पासपोर्ट अपलोड करना होता है, ना आपको कोई बायोमेट्रिक स्ट्रक्चर लेटर अपलोड करना होता है, ना कोई वीजा फॉर्म अपलोड करना होता है, सिर्फ ये 3 कागज से आप अपलोड, कोई आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा, नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट। तो लोगों ने कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया, कुछ जो चमत्कारी बिजनेसमैन बैठे हैं सारे पंजाब में बैठे हैं, एक बंदे ने 10, 1-1 हजार, 5-5 हजार, 2-2 हजार फर्जी ईमेल आईडी बनाए, 2000 नंबर का जुगाड़ किया जो बहुत मुश्किल है, 100 रुपए में आप नंबर खरीद सकते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन से कोई भी नाम लिया आपने, स्लॉट बुक करे। तो इमेजिन कीजिए कि 15 नवंबर का एक ही बंदे के पास 2 बजे दोपहर के 25 स्लॉट्स हैं, 50 स्लॉट्स हैं, वो लेके बैठा हुआ, सर्टिफाइड कंसल्टेंट भी नहीं है, वो लेके बैठा हुआ है, सब स्लॉट भर गए। अब उसके पास एक इंक्वायरी आ रही है कि भाई हमें कैसे भी करके 15 नवंबर का स्लॉट दिलाइए। अब क्या करता है वो, 2 कंप्यूटर इकट्ठे खोलता है, एक कंप्यूटर पे खुद बैठते हैं, एक उसका असिस्टेंट लेफ्ट से कैंसिल करेगा अपॉइंटमेंट्स 10 जो कि उन्हीं के कंट्रोल में है। जैसे 10 स्लॉट कैंसिल हुए, वहां से 10 स्लॉट ओपन हो जाएंगे सिस्टम में, और जो असिस्टेंट है वो फट से जो जेन्युइन बच्चा है उसका स्लॉट बुक कर देगा। देखिए इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये नहीं कि मैं अपना स्लॉट किसी दोस्त को दे दिया, इसमें तो आप कैंसिल करेंगे दूसरे को मिलेगा। सो आपने अपना पहला कैंसिल किया और बगल में दूसरा बैठा है उसने ले लिया, तो इस प्रोसेस से वो लोग आपको स्टॉक दिलवा रहे हैं, 20,000-25,000 रुपए मांगे जा रहे हैं ये काम करने के लिए, और स्टूडेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि जिसको जाना है जो 15-20 लाख खर्च कर चुका है वो सोचता है 20,000 रुपए और सही। अब इसका तोड़ क्या है, तोड़ जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब वो 10 स्लॉट, और ये पूरी इंडिया में हो रहा है, सो एक बंदा नहीं कर रहा ना, तो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप मशीन पे बैठे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, आपको सारा फिल नजर आएगा, फुल नजर आएगा, पर लगातार आप 1 घंटा बैठे रहोगे तो बीच में कई मौके ऐसे आएंगे जब कई पंजाब में लोग हैं जो कैंसिल कर रहे होंगे कस्टमर्स के लिए, तो जब जैसे कैंसिल होगा तो फिर वो स्लॉट तो ओपन पूरी इंडिया के सब बच्चों के लिए हो गया, और तभी आपको वो ओपन नजर आया, और तभी आपने अगर स्लॉट बुक कर दिया तो आपको मिल जाएगा। तो 2-3 घंटे कोई बच्चा अगर लगातार लैपटॉप के डेस्कटॉप के आगे बैठा रहे तो उसको फ्री में भी स्लॉट मिल सकता है, पास की डेट का भी मिल सकता है, अपने शहर में भी मिल सकता है। और इसलिए जब ये SMS आते हैं तो आपको बोलेंगे कि आपको जिस शहर का चाहिए हम दिलाएंगे, क्योंकि लोगों ने हर शहर के स्लॉट ऐसे ही बुक कर रखे हैं। सो ये प्रॉब्लम हो रही है बायोमेट्रिक कनाडा को, और मैं अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से VFS को भी, कनाडियन एम्बेसी को भी, कि इस चक्रव्यूह को तोड़े, क्योंकि देखिए नुकसान कैसे हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फर्जी स्लॉट ले रखे हैं। आज अगर 26 अक्टूबर है तो आई कैन अश्योर यू हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा स्लॉट खाली जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे इनको कस्टमर नहीं मिले, वो स्लॉट में कोई पहुंचा ही नहीं, वो स्लॉट खाली रहा। लेकिन VFS को तब पता चलता है स्लॉट खाली है जब बच्चा वहां पहुंच जाता है, उसके ऑफिस में पहुंचता नहीं है, और तब तो किसी को दे नहीं सकते है ना, 2 बजे का टाइम है, 2:05 होने पता चलता है कि द कैंडिडेट आया ही नहीं है, तब वो स्लॉट किसको दे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, और वही लोग कमा रहे हैं जो 20-20 हजार रुपए एक स्लॉट के ले रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक इंसान ने ऐसे करके अगर 100 स्लॉट भी बेचे तो 20 लाख रुपए कमा लिए अगले 2 महीने में, और वो करने के लिए अगर 2 टेलीकॉलर को बिठा के 5,000 फर्जी ईमेल आईडी और
100 रुपए के 5000 नंबर लेने भी पड़े थे तो क्या बुरा सौदा हुआ। तो ये चल रहा है फर्जी वाला बायोमेट्रिक को लेकर, इसलिए आपको स्लॉट से मिल रहा है। ये मत सोचे कि इतने सारे जेन्युइन बच्चे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं कि हमें एक भी स्लॉट नहीं मिल रहा। मतलब इस समय 90% से ऊपर फर्जी लोगों ने, फर्जी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करके ये चमत्कारी बिजनेसमैनों ने स्लॉट बुक कर रहे हैं। तो ये बस मैं आपको अपडेट देना चाहता था, आपको नॉलेज देना चाहता था कि ये हो क्यों रहा है। धन्यवाद।